मोजिस नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आऊं हां खालिद लतीफ़ी ऐं आवां ॾिसी रहा आहियो इंडस डिस्कवर। नाजरीन, सिंध जी समूरी तारीख़ सिंध वतन जी आज़ादी मज़ाहमत ऐं वेढ़ांद सां भरी पई आहे। सिंध ते बादशाहतूं त केतिरनि ई हुकमराननि कयूं आहिनि, पर सिंध वतन जी आज़ादी बका नंगनि ऐं दंगनि लाइ विढ़ंदे विढ़ंदे जेके सूरमा शहीद थिया आहिनि, सिंध जी सरकश तारीख़ उन्हनि खे पंहिंजे सुर्ख़ वर्कनि में सदियुनि खां समाईंदी पई अचे। वेझी तारीख़ में राजा ॾाहर जी शहादत खां पोइ सिंध जी आज़ादीअ लाइ पहिरीं वॾी गोरीला वेढ़ उन जे पुट जेसीना ॾाहर विढ़ी ऐं मोहम्मद बिन कासिम जे मरण खां पोइ वरी सॼी सिंध खे आज़ादु कराए वरितो। जेसीना ॾाहर ऐं सूमरा दौर जे दोदे सूमरे खां पोइ सिंध जी आज़ादी ऐं उन जे दंगनि जी हिफ़ाज़त लाइ विढ़ंदड़ अगरि कंहिं वॾे सूरमे जो नालो सिंध जी मज़ामती तारीख़ जे वर्कनि ते तरी अचे थो त उहो आहे शहीद दुलहे दरिया ख़ान। दोस्तो, दुलहे दरिया ख़ान जो असुल नालो मुबारक ख़ान क़बूलियो हो। हीउ नंढपण में ई हिकु यतीम ॿारु हो जंहिंखे उन वक़्तु सिंध जे नामवर सियासी ॾाहप रखंदड़ हुकुमरान जाम निज़ामुद्दीन जे हिकु वज़ीर लखमीर पाण वटि कमकार लाइ रखियो हो। दरिया ख़ान नंढपण में ई वॾो होशियार ऐं चालाक हो। सिंध ते समा घराणे जी हुकुमरानी ऐं जाम निज़ामुद्दीन उर्फ़ जाम निदे जो दौरे हुकूमत 1461 ईस्वीअ खां शुरू थियो। हीउ सिंध जी तारीख़ जो हिकु ज़बरदस्त ऐं बहादुरु हुकुमरान हो। हुन जे दौरे हुकूमत में सिंध मुल्क में हर तरफ़ खुशहाली ऐं तरक़ीअ जा तराना पई गूंजंदा हुया। दोस्तो, जाम निदो हिकु दफ़े पंहिंजे वज़ीर लखमीर वटि आयो त उन खे सफ़र जे करे शदीद उञ लॻी त उन वक़्तु हिकिड़े नंढिड़े बालिक दरिया ख़ान उन खे पाणी भरे ॾिनो ऐं उन में कुझु कख विधा। जाम निदे दरिया ख़ान खां पाणीअ में कख विझण जो सबबु पुछो त हुन चयो त तव्हां सफ़र में थकियल हुआ ऐं तेज़ उञ दौरान सॼो पाणी जल्दी पी वञो हा, जेको सिहत लाइ हानिकार आहे। तंहिं करे मूं पाणीअ में कख विधा त जीअं अवां पाणी आहिस्ते आहिस्ते पी सघो। जाम निदे खे दरिया ख़ान जी उन ॾाहप वारी ॻाल्हि ॾाढो मुतासिर कयो ऐं हू उन खे पाण सां गॾु वठी आयो, जिते खेसि तैलीम ऐं तरबियत ॾियारी वई। दुलहे दरिया ख़ान पहिरीं सिपाहीअ तौरु कमु कयो, पर पोइ पंहिंजी ॾाहप बहादुरी ऐं वेड़ाकीअ जी महारत जे करे सिंध जी सॼी फ़ौज जो सुपह सालार बणिजी वियो। उन दौरान शाह बेग अरगोन पंहिंजे भाउ सुल्तान मोहम्मद अरगोन जी अॻुवाणीअ में 1487 ईस्वीअ में सिंध ते हमिलो करण लाइ लश्कर काहे मोकिलियो, जेको आगरा चांडका ऐं माछियुनि जा कोठ फुरींदो, सिंध जा ॻोठ ऐं वाहण वस्तियूं लताड़ींदो अॻिते वधंदो पियो आयो। जाम निदे उन ई अरगोनी लश्कर सां विढ़ण लाइ सिंध जे फ़ौज जे सिपह सालार दरिया ख़ान खे मोकिलियो, जंहिं उन अरगोनी लश्कर जो हलूकर जे ॻोठ वटि अॻु वरितो ऐं उते पूरे हिकु ॾींहुं ऐं राति ताईं ज़बरदस्त वेढ़ांद खां पोइ अरगोनी लश्कर जे अॻुवाण शाह बेग अरगोन जे भाउ सुल्तान मोहम्मद अरगोन खे मारे विधो ऐं उन खां पोइ ॿियो अरगोनी लश्कर सिंधी फ़ौज जी जंग में अधु मारिजी वियो ऐं बकाया कंधार तरफ़ भॼी वियो। अहिड़ी तरह दुलहे दरिया ख़ान अरगोनी लश्कर खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी। दोस्तो, दुलहे दरिया ख़ान जे फ़ौजी ऐं इंतिज़ामी महारत ऐं हिकमत अमलिन जे करे जाम निदे उन खे सिंध जे सुपह सालार सां गॾु आज़ादु सिंध जो वज़ीर आज़म पिणु चूंडियो। जाम निदे जी हुकूमत ऐं दुलहे दरिया ख़ान जी वज़ारत उज़्मा दौरान सिंध जे कपिड़े जी सनत ऐं वापार खे वॾो उरूज मिलियो। सिंध जे हिन ई सूरमे जी कोशिशुनि सां सिंध जा सामूंडी बंदरगाह ऐं वापारी ॿेड़ा ॾेहां ॾेह जी मैशियत, वापार ऐं कारोबार जो मर्कज़ बणिया। समिन जाम निदो पंहिंजे घोड़नि जी वाड़ीअ में जॾहिं बि वेंदो हो त पंहिंजे घोड़नि जी पुठीअ ते हथु फेराए चवंदो हो त शाल अहिड़ो ॾींहुं न अचे जो मुंहिंजी आज़ादु वतन सिंध ते कंहिं ॿाहिरें दुश्मन जो हमिलो थिए ऐं मूंखे घोड़नि ते चढ़ी उन्हनि सां जंग करणी पवे। नाज़रीन, जाम निदे जे ई दौर में शाह बेग अरगोन जे पुट शाह हसन अरगोन उन वक़्तु सिंध जे सिबीअ वारे परगि॒णे ते हमिलो करे ॾिनो त जाम निदे हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध जे अज़ीम सुपह सालार दुलहे दरिया ख़ान खे फ़ौज समेत शाह हसन अरगोन जे लश्कर जो मुक़ाबिलो करण लाइ बुलान लक मोकिलियो। उन वक़्तु सिंध जूं सरहदूं उत्तर ओलह में सिबीअ ताईं हुयूं ऐं उन अरगोनी हमले दौरान सिबीअ जी हुकुमरान माई चागली बुरफत हुई। दोस्तो, दुलहे दरिया ख़ान पंहिंजे लश्कर समेत उन अरगोनी लश्कर खे बुलान लक वटि रोकियो ऐं ज़बरदस्त जंग खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर अरगोनी लश्कर खे बुलान जे पहाड़ुनि में शिकस्त ॾिनी ऐं अरगोनी लश्कर वापसि खिरासां अफ़गानिस्तान भॼी वियो। दोस्तो, उन खां पोइ जाम निदे जी ज़िंदगी में वरी कॾहिं बि शाह बेग अरगोन खे जुरत न थी जो सिंध ते वरी ॿीहर को हमिलो करे। जाम निदे खे शुरूआति में काफ़ी
काफ़ी साल औलाद न थियो जंहिं करे हुन दुलह दरिया ख़ान खे पंहिंजो पुटु करे छॾियो जंहिंजी शाहिदी संदसि तुरबत ते लॻल कुतुबे मां मिले थी जंहिं ते फारसीअ में लिखियलु आहे त शहीद मुबारक ख़ान इब्ने सुल्तान निज़ामुद्दीन जॾहिं त अॻिते हली ॼाम निज़ामुद्दीन खे पुट जो औलाद पिणु थियो जंहिंजो नालो ॼाम फेरोज़ हो जेको ॼाम निज़ामुद्दीन जी वफ़ात वक़्तु अञा नाबालिग हो। दोस्तो 1508 ईस्वी में सिंध जो उहो अज़ीम हुकुमरान ॼाम निदो बीमार थी पियो ऐं बीमारीअ जी हालत में वफ़ात करण खां अॻु दुलह दरिया ख़ान खे सिंध जी पारत कयाई ऐं चयाई त मूंखां पोइ मुंहिंजे नासम जो पुटु ॼाम फेरोज़ जी रहनुमाई कजांइ। ॼाम निदे जी वफ़ात खां पोइ सिंध जो बादशाह हुन जो पुटु ॼाम फेरोज़ थियो जंहिंखे हुन वक़्तु सिंध जे वज़ीर आज़म दुलह दरिया ख़ान हुकूमती कारवहिंवार हलाइण ऐं सेखारण ऐं समुझाइण जी कोशिश कई पर ॼाम फेरोज़ हिकु अज़ीम पीउ जो हिकु नाफ़रमान पुटु साबित थियो। हू पंहिंजो सॼो वक़्तु शराबनि ऐं शबाबनि जी आयाशियुनि में गुज़ारणु लॻो। हुन पंहिंजे हुकूमती दरबार में मिर्ज़ा कासिम केबक अरगोन जहिड़ा सिंध दुश्मन अमलदार वॾनि वॾनि हुकूमती उहिदनि ते रखिया। दरबार जी भर में ठठे शहर अंदरि अरगोननि खे हिकिड़ी अलॻि कॉलोनी ठाहे ॾिनी जंहिंखे अरगोन वाड़ो सॾिबो हो, जिते सुहिणा अरगोन छोकिरा सॼो ॾींहुं पिया नाच कंदा हुआ ऐं शराब पियो हलंदो हो, जेको अॼु बि ठठे शहर में मुग़ल वाड़े जे नाले सां मशहूरु आहे। दोस्तो दुलह दरिया ख़ान ॼाम फेरोज़ जूं अहिड़ियूं सिंध दुश्मन हरकतूं ॾिसी उन खां काविड़जी पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई टलटीअ भरिसां गाहनि जे परगणे में पंहिंजे ॻोठु वञी वेही रहियो। उन खां पोइ सिंध जी अहिड़ी अंदरूनी सूरत हाल जो फ़ाइदो वठंदे ॼाम फेरोज़ जे दरबार में वॾे उहिदे ते मुक़ररु मिर्ज़ा कासिम केबक शाह बेग अरगोन ॾे नियापो करे मोकिलियो त दुलह दरिया ख़ान बि काविड़जी उहिदो छॾे ॻोठु वञी वेठो आहे ऐं हितां जो हुकुमरान ॼाम फेरोज़ हर वक़्तु आयाशियुनि में ॿुॾल आहे। हीउ मौक़ियो भलो आहे त सिंध ते कब्ज़ो लाइ काहे अच। शाह बेग अरगोन अहिड़ी सूरत हाल जी मिलियल मेलूमात ऐं सिंध जी अंदरूनी गदारनि जी मदद सां 1520 ईस्वीअ में हिकु दफ़ो ॿीहर आज़ाद सिंध मुल्क मथां काहे आयो ऐं सिंध जा शहर ऐं ॻोठ लताड़ींदो अची सिंध जे तख़्तगाह ठटे वेझो पहुतो। ॼाम फेरोज़ सिंध मथां शाह बेग अरगोन जे अहिड़े ख़ौफ़नाक हमले खां पोइ दरिया ख़ान ॾे नापो मोकिलियो त अच वापसि सिंध जी फ़ौज जी सिपह सालारी संभाल ऐं अरगोनी लश्कर खां सिंध खे बचाइण लाइ वापसि मोटी अच। उन वक़्तु जे कौमपरस्त आलम शहीद मखदूम बिलावल समे बि दुलह दरिया ख़ान खे वापसि वञी सिंध जे दंगनि जी हिफ़ाज़त करण लाइ अरगोननि सां वेढ़ जोटण जो चयो। सिंध ते हमले वक़्तु दुलह दरिया ख़ान ॼाम फेरोज़ सां थियल समूरनि इख़्तिलाफ़नि खे विसारे हिकु दफ़ो ॿीहर अची सिंध जी फ़ौज जी सिपह सालारी संभाली ऐं अरगोनी लश्कर खे सिंध जे पुराणे गादीअ वारे हंधि समांगर सामुई जे मैदान ते अची मुंहुं मुक़ाबिल थियो। दोस्तो हिन दफ़े सिंध जे लश्कर खे कमज़ोर करण ऐं अरगोनी लश्कर खे ताक़त ॾियण लाइ ॼाम फेरोज़ जी दरबार अंदरां बि केतिरियूं ई दरबारी साज़िशूं शामिल हुयूं। उन जे बावजूद दुलह दरिया ख़ान सिंध वतन जी सलामती ऐं आज़ादी बरक़रार रखण लाइ सामुई जे मैदान ते अरगोनी लश्कर सां विढ़ंदे विढ़ंदे 22 December 1520 ईस्वीअ ते शहीद थी वियो। सिंध जे अज़ीम सिपह सालार दुलह दरिया ख़ान जे मारिजी वञण खां पोइ ॼाम फेरोज़ वञी शाह बेग अरगोन जे पेरनि में किरियो ऐं पंहिंजी जान जी पनाह वठी सिंध जी आज़ादीअ जी सौदेबाज़ी कई। दुलह दरिया ख़ान जी शहादत सां गॾु आज़ाद सिंध जो झंडो बि हेठि किरी अरगोनी घोड़नि जे नालनि हेठि लताड़जी वियो ऐं सिंध ते समांदोर जी पुॼाणी थी ऐं अरगोन हमले आवरनि जो कब्ज़ो क़ाइमु थी वियो, जंहिं ख़िलाफ़ मखदूम बिलावल बग़ावत जो झंडो बुलंद कयो ऐं सिंध जी आज़ादीअ लाइ अरगोननि सां गोरीला जंग जोटण लाइ दुलह दरिया ख़ान जे पुट मोटण ख़ान, सारंग ख़ान ऐं रिणमल ख़ान जी अॻुवाणीअ में काछे जे पहाड़नि में सिंध जी आज़ादीअ जी वेढ़ लाइ गोरीला कैंप क़ाइमु कई। दोस्तो दुलह दरिया ख़ान जे पुटनि लाइ सिंध जे अज़ीम शाइर शेख अयाज़ हीउ शेर लिखियो त तूं हूअं बि मरंदे काचे में, अॼु नाहिर वांगुरु छाल ॾेई को आओ पहाड़ी पाछे में। तूं कंहिंजो बानो नाही रे, जे ॿोली तुंहिंजी गोली आहे, जे ॿोली तुंहिंजी गोली आहे, कंहिं पथर जी ओट ॾेई तूं गोली हेठि हलाए ॾिस ऐं बंदू कुंजी ठाठा ते गुण आज़ादीअ जा गाए ॾिस, गुण आज़ादीअ जा गाए ॾिस। सिंध वासियो, अचो त सिंध जे हिन सुपह सालार शहीद दुलह दरिया ख़ान खे भेटा पेश करण जे लाइ हिन वीडियो खे वध खां वध शेयर कयूं त जीअं मौजूदा सिंध जे माण्हुनि खे सिंध जे शहीद दुलह दरिया ख़ान जे बारे में मालूमात मिली सघे।